आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्रीराम एग्रोटेक में। किसान भाइयों, आज अपन लेके आए हैं टूडी लोडर स्वराज ट्रैक्टर। पहले अपन ट्रैक्टर की बात करेंगे तो किसान भाइयों, स्वराज ट्रैक्टर जो कंपनी है वो 1976 से ट्रैक्टर का निर्माण कर रही है। इसका जो साइंस है वो 1976 का है। 1976 में से स्वराज कंपनी ट्रैक्टर का निर्माण कर रही है, तो ट्रैक्टर का इतना एक्सपीरियंस होते हुए किसान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया गया है। किसान भाइयों, टूडी लोडर में इसको सक्सेस बहुत ही ज़्यादा है ये ट्रैक्टर, क्योंकि इसमें ऑयल ठंडा करने के लिए बहुत ही बढ़िया इसमें कूलेंट का सिस्टम दिया है, ताकि ऑयल ज़्यादा ठंडा हो सके, ट्रैक्टर गर्माए नहीं। किसान भाइयों, इसका जो फ्रंट एक्सल की बात करूँ मैं, तो इसका फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल दिया है, ताकि इसको किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार छोटा बड़ा कर सके। और इसके साथ साथ ये 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है, बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। किसान भाइयों, इसमें हमने टूडी लोडर बनाया है। मैं टूडी लोडर की बात करूं तो इसमें जो भी चैनल उपयोग में ली है, लोहा उपयोग में लिया है, वो टोटल टाटा कंपनी का लिया है। इसमें जो भी पिन भूसे हैं वो JCB के। किसान भाइयों, इसकी देखो फिटिंग है, जो इतनी बढ़िया दमदार फिटिंग है, बहुत ही बढ़िया फिटिंग है। किसान भाइयों, इसके अंदर हमने पीछे ऑयल टैंक बनाया है, बड़ा ऑयल टैंक है, ताकि ऑयल गर्माए नहीं। इसके लिए हमने साइड में फिल्टर दिया है ऑयल की सफाई के लिए, साथ के साथ इसमें AC लगाई है ऑयल ठंडा करने के लिए। गियर से सिस्टम किया है किसान भाइयों, इसमें कंप्रेसर लगाया है 2 HP हेड के साथ, राजकोट का कंप्रेसर है किसान भाइयों। ये हमारी फर्म है RB एग्रोटेक इंडस्ट्रीज, जो उद्योग विहार जेतपुरा में स्थित है। किसान भाइयों, ये हमारा लोगो है। कृपया जो भी आप श्रीराम कृषि यंत्र उद्योग के, श्रीराम के एग्रोटेक के, RB एग्रोटेक के जो भी लोडर ले हो आप, तो ये हमारा लोगो है। हमने लोगो चेंज कर दिया, क्योंकि एक ही फर्म से कई कंपनियां हमारे लोडर बनाने लग गई, इसके लिए हमने ये अलग से लोगो इसका लॉन्च किया है। किसान भाइयों, मैं आपको इसको एक बार चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए, स्वराज ट्रैक्टर पर फिटिंग काफ़ी बढ़िया दमदार फिटिंग हुई है, और इसमें सपोर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया जगह दे रखी है। किसान भाइयों, ये देखिए, इसमें जो ब्रैकेट उपयोग में लिया है वो 6 mm का हेवी सीट में जो लिया है, ताकि ये बैंड नहीं हो। और इसके साथ साथ इसमें जो भी हाइड्रोलिक लाइन जो ली है, पाइप जो ली है, वो पूरी हेवी JCB के उपयोग में ली है, ताकि फटे नहीं। किसान भाइयों, टूडी लोडर की लाइफ बढ़ सके, 10 साल लोडर चलने के बाद भी कोई कंप्लेंट नहीं है। किसान भाइयों, आपको अगर किसी भी लोडर के बारे में जानकारी चाहिए, या कौन से ट्रैक्टर पे लोडर सक्सेस होता है, लगभग सभी ट्रैक्टरों पे सक्सेस है। स्वराज की बात करें तो बात ही अलग है, ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है। किसान भाइयों, आपको लोडर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, मेरे मोबाइल नंबर 9351234101 पे आप संपर्क कर सकते हो। किसान भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल का आइकन दबाइए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए किसान भाइयों, ताकि किसानों तक मेरी बात पहुंच सके, और कोई भी उनको परेशानी हो तो मेरे को बेझिझक फ़ोन करे। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।